पहले तो हम न्यूट्रिशन के थ्रू सब करते हैं चीजें कि कैसे वो हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरजादा गुलाम हुसैन और आप देख रहे हैं सेंटी न्यूज। और आज हम मौजूद हैं साहिबा डायबिटीज केयर सेंटर में। आज हम ऐसे मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर साहिबा तौसीन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सेकेंडली मैम, ये बताइए आजकल हमारा जो है ना इशू ये बहुत ज्यादा है, शुगर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। आप ये बताइएगा, एक लाइफ स्टाइल मेडिसन है जी, इसका क्या रोल है, ये किस तरीके से वर्किंग करती है? सबसे पहले हमने अपने क्लिनिक के अंदर लाइफ स्टाइल मेडिसन का एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम कैसे हेल्दी हैबिट्स और बिहेवियर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर, और हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को और वो हेल्थ इश्यूज जो कि हमें सफर करने पड़ रहे हैं, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब लोगों का जो इंहिसार है वो सिर्फ डॉक्टर्स तक था पहले, कि वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाते थे और मेडिसिन लेके वो ओके हो जाते थे। लेकिन जो आजकल मॉडर्न लाइफ के साथ अगर हम लोग अपनी जिंदगी गुजारना स्टार्ट करें तो वो ये आता है कि सिर्फ मेडिसिन पर इन्हिसार करना जरूरी नहीं है। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐसे चेंजेस करें कि जो आपको मतलब हेल्थ इश्यूज जो आपको 40s के बाद आपको पता है कि वो हो सकते हैं आपको, तो वो उनको आप अपनी लाइफ में से पहले ही मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले लाइफ स्टाइल मेडिसिन के अंदर आप लोग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डिवेलप करें, मतलब आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न अपना स्टार्ट करें, एप्रोप्रिएट स्लीप लें, प्रॉपर आपकी 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, स्ट्रेस को आप प्रॉपर मैनेज करें कि स्ट्रेस का आपका जो आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं आपके स्ट्रेस पे। जैसे ही आप स्ट्रेस का लेवल आपका इंक्रीज होता है, आपको भूख के साथ आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो सब चीजें आती हैं, उन सब चीजों को आप मैनेज करें। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल बेवरेजेस जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जिसके अंदर टोबैको का इस्तेमाल आता है, अल्कोहल का इस्तेमाल आता है, उसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इस्तेमाल आता है, उन सबको खत्म करके हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस को जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो डिजीजेस का रिस्क फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। जैसे आजकल हमारी रेशियो देखी जाए पाकिस्तान के अंदर तो डायबिटीज की रेशियो बहुत ज्यादा है। डायबिटीज से अलावा आपको एक पता है कि 40 की एज के बाद अगर आपकी जीन्स में डायबिटीज आ रही है तो आपको डायबिटीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप उनको 40 से पहले ही, उस एज के आने से पहले ही आप रिकवर कर लें। अगर आपका वेट गेन, आपको वेट ज्यादा है तो आप वेट को नॉर्मल कर लें अपना, ताकि आपका जो हेल्थ का इशू है वो रिस्क फैक्टर जो है वो कॉज जो है उसका अंडरलाइन कॉज वो खत्म हो जाए। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होते हैं, डायबिटीज भी मेजरली स्ट्रेस की वजह से है, उस चीजों को आप खत्म करके अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। सेकेंडली ये बताइएगा कि बीइंग अ न्यूट्रिशन, आप कैसे लोगों को डील करते हैं, कैसे उनको बेटर करने के लिए मेडिसिन को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं? जी, सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशन के थ्रू सब करते हैं चीजें कि कैसे वो हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाएं। सबसे पहले हमारी जो लाइफ है ना उसके अंदर बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा है, कोला ड्रिंक्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, कैफीनेटेड ड्रिंक्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उन सब चीजों की वजह से हमारे मेजर कंसर्न्स हो रहे होते हैं। तो हमने पेशेंट को किसी भी चीज से ये नहीं कहना कि आपने ये चीज नहीं लेनी, अगर हम किसी भी चीज से उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मेजरली तो वो उस चीज पे नहीं आ सकता कभी भी। तो हमने हर चीज उन्हें देनी है, लेकिन हमने एक पोर्शन कंट्रोल करना होता है कि आप इतना पोर्शन ले सकती हैं। और इसके लिए जैसे ही हमारे पास पेशेंट इन क्लिनिक विजिट के लिए आता है तो हम उनका सबसे पहले BMI किया करते हैं। BMI की 3 कैटेगरीज होती हैं कि उससे हमें एनालाइज हो जाता है पेशेंट ओवरवेट है, अंडरवेट है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। अगर ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो चांसेस हैं कि उसको ओल्डर एज के अंदर जाके डिफरेंट डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का मसला जो है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। तो इन सब चीजों को हमने पहले से ठीक करने के लिए हम जो BMI कैलकुलेट करते हैं, BMI की बेस पे फिर हम आगे उसकी पेशेंट का फैट टेस्ट करते हैं। हमारे पास एक फैट एनालाइजर मशीन है जिसकी मदद से हम फैट एनालाइज करते हैं पेशेंट का, उस फैट की बेसिस पे हम लोग फिर आगे उसकी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालते हैं कि पेशेंट को इतना कैलोरीज का इंटेक उसका जरूरी है अपनी एज के हिसाब से और अपने वेट के हिसाब से।
जब हमें उतना मिल जाता है कि आपने इतनी कैलोरीज एक दिन की इंटेक करनी है, तो हम पेशेंट को उतनी कैलोरीज पे ले आते हैं। मतलब हमने कैलोरीज की गेम के अंदर रहते हुए जितनी उसको अलाउड होंगी कैलोरीज, हमने उतनी कैलोरीज उसको देनी है, और हमने उसी कैलोरीज 2000 कैलोरीज अगर एक इंसान को मेजरली चाहिए तो हमने उस 2000 कैलोरीज के अंदर रहते हुए उनके मेजर दिन के तीनों जो है उनके मील शेड्यूल तय कर, हाँ जी, वो हमने मील प्लान के अंदर ले आना है उनको, वो पूरा मील प्लान उनको एक डिजाइन करके अपना देना है। वो जो है वो काम वो बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट का। और अगर जैसे हमारे पास आते हैं डायबिटीज के पेशेंट, उनको कहा जाता है आपने मीठा नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, वो खा सकते हैं लेकिन एक क्वांटिटी के अंदर रह के, हर चीज के अंदर वो अपनी चीज खा सकते हैं जो उनकी पसंद की है, इस्तेमाल कर सकते हैं, जी जी, लेकिन वो अपनी एक उनकी क्वांटिटी होगी। वो अगर एक आम इंसान है वो इतनी क्वांटिटी खा रहा है, पूरी प्लेट भर के खा रहा है, लेकिन जो दूसरा एक डायबिटिक पेशेंट है वो कुछ स्पून ले सकता है, लेकिन उससे ये है कि उसकी स्टाइटी उसको जो होगा कि मैंने ये नहीं खा सकता, उसका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा कि डायबिटीज की वजह से मैं ये नहीं खा सकता, लेकिन वो खा रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक डाइटिशियन के तौर पे मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ और हेल्दी प्लान देती हूँ, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मेरे बहुत अच्छे लेवल पे जाके रिकवर करते हैं और प्रोग्रेस उनकी बहुत अच्छी रहती है। सही है। अच्छा, मुझे लास्ट में तो ये बताइएगा, अक्सर जो न्यूट्रिशंस होते हैं इनको नॉर्मल और जो है ना आम पब्लिक हमारी कम्युनिटी होती है ये बहुत इजी लेते हैं जी, इसकी क्या रीजन है, या फिर ये समझते हैं कि ये सिर्फ वजन को कम करने के लिए हमारे लिए बेहतरीन साबित है, या फिर जो वजन को ज्यादा करने के लिए हमारे लिए बेहतरीन साबित है, इसके थोड़ा सा राय दीजिएगा जी। मेजरली यही समझा जाता है कि पेशेंट जो डाइटिशियंस हैं वो सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो डाइटिशियंस का रोल है उनका हर डिजीज के अंदर रोल है, मतलब वो हर फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अपना डाइट के हिसाब से, आपकी डायबिटीज है तो डाइट के हिसाब से डायबिटीज को ठीक करना है, लेकिन मेजर कंसर्न उनका वेट लॉस और वेट गेन का इस हिसाब से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट कर दी होती है पेशेंट की। अगर आप ओबेसिटी हो तो सबसे पहले उसका काम यही होगा कि आप उसकी ओबेसिटी को खत्म करो। जैसे ही आपकी ओबेसिटी खत्म होगी, बल्कि ये रिसर्च बात है कि अगर आपकी जो अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं 5% तक, तो आपकी शुगर लेवल कम आ जाती है, मतलब आपका शुगर लेवल डाउन जाना शुरू होता है, मतलब जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं वो रिस्क फैक्टर्स आपका मेजरली ओबेसिटी का रिस्क फैक्टर आ रहा होता है। जैसे आप रिस्क फैक्टर अपना खत्म करते हो, आप डिजीजेस से प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देते हो। और लास्ट पे मतलब क्या पैगाम देना चाहिए हमारे जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह या फिर जो हमें सुन रहे हैं, कैसे त्याग करें? सबको यही पैगाम है कि अगर आज से ही आप अपनी लाइफस्टाइल को एज ए पावर मेडिसिन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप एक सेहतमंद जिंदगी और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल पे काम करना स्टार्ट करें, आज से ही स्टार्ट करें, ताकि आप अर्ली एजेस के अंदर जाके जो आपको पता है कि आपके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जो डिजीजेस के आपको चांसेस हैं, उनको आप ओवरकम कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतने खूबसूरत मैसेज से हमें जो है वो आगाह किया। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हुआ जाता है और मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के वान।